आएला। वही जड़ निकालनी पड़ेगी। अरे रहने दे, कल ही करेंगे। कल क्या करने आपने? हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग में। शाम के बज गए 5 और मैं और प्रमिला निकल पड़े गांव से खेत की तरफ। भाई लेट हो गया मैं थोड़े से ना, पता क्या है आजकल हम काम बहुत कर रहे हैं घर में ना, तो टाइम ही लग रहा है मतलब खेत जाने का। और खेत से ना हम आज एक ऐसी चीज़ लेके आ रहे हैं मतलब ना, जो शायद ही आपको पता होगी, सरप्राइज़ है वो। आप तब तक कहीं ऐसा नहीं कि अंधेरा हो जाए, वो चीज़ दिखे ही ना पर हमारी कोशिश ये रही कि हम आपको दिखाएंगे वो चीज़ ना। तो अब थोड़ा सा ही बज रहा हमारा खेत ना, यहाँ से जाएंगे हम आगे और आगे से लेंगे राइट नीचे को, तो वहीं जा कर हमने वो चीज़ निकालनी है। खाने की चीज़ है वो, बढ़िया चीज़ है वो खाने की, बहुत लोग खाते हैं। पहाड़ में तो बहुत फेमस है वो चीज़, है ना भाई, फेमस है ना। तो नाम नूम तो बाद में बताएंगे, बस आप ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहो, आपको मैं दिखाऊंगा वो चीज़ अभी। यहाँ से लेंगे भाई हम राइट, मेन रोड से राइट। शाम के 5 ही बजते और ये पक्षी भी आता है, सुन रहा है ट्र, ये बस यही है इसका टाइमिंग 5 बजे। पता क्या है, ये कठफोड़ा होना है शायद, कठफोड़ा है, कठफोड़ा, कठफोड़े की आवाज़ है ये, कठफोड़े की, ये ऊपर कठफोड़ा, ये वाला ये ये लो जी, प्रमिला तो पहुंच गई खेत में। वो मैं भी थोड़ा पीछे हूँ अभी। है क्या, मैं थोड़ा सा यहाँ काम कर लेता हूँ जो हमारा चला हुआ है नीचे प्रोजेक्ट। अच्छा जी, मैं भी अब खेत में पहुँच गया। प्रमिला कुछ कौन से भाई, ये चीज़ है तो प्रमिला निकाल लेना, खाने की चीज़, ये चीज़ देखिए सांप भी है ये, क्लियर चीज़ क्लियर। तो मैं आपको तब दिखाऊंगा जब प्रमिला ऊपर आएगी ना, पूरा इकट्ठा करके, अभी पूरा बैग लाए के भर के, तब तक ज़रा मैं करूंगा यहाँ कुछ काम धाम। अभी दिखाता हूँ मैं आपको मैं क्या काम कर रहा हूँ यहाँ पे खेत में, चला मेरा काम, अपना किल्टा रहेगा तब तक। यहाँ पे खुदाई चल रही बड़ी ज़बरदस्त तोड़ी ना, ये एरिया में ऊपर से खोद रहा हूँ, मतलब इतना इतना काटना मेरे को, इतना इतना, ताकि मतलब ये पूरा खेत का साइज़ बढ़ जाए मेरे। और जो मिट्टी है इसको मैं आगे बिछा रहा हूँ ऊपर ऊपर साइड में, करते हैं जरा खेत की खुदाई। थोड़ा मैं भी जरा आराम कर लेता हूँ, थक गया थोड़ा सा ना। अब मैं देख रहा हूँ पर ऐसे प्रमिला आ रही है ज़रा सब्जी लेके, वही जो मैं आपको बताना चाह रहा था ना अभी। लाओ जी बैग दिखाओ ज़रा, अगर आप देख बिल्कुल हकाए तो हैं, तो कहीं देखिए मैंने से कुछ उठाया मैंने कुछ भी नहीं, तो दिखाता मैं आपको इसके अंदर क्या चीज़ है। वैसे तो आपको दिखेगी ना वो चीज़ बैग के अंदर, हार डालू घास है तो वो भी ठीक नहीं रहेगा, ये कुछ ऐसी है मतलब ना। इसी बैठ जा, ओ एक और पीस आ गया, ये देखो भाई, ये भाई खतरनाक सब्जी हमारी, इसको पता क्या बोलते हम, कुकुआ इसको हिंदी में पता क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं हिंदी में इसको, है अरे तो पहाड़ी में बोलते हैं कुकुआ, इसको पता क्या बोलते हैं, बिच्छू की सब्जी, बिच्छू वाला बिच्छू नहीं जो काटता है, ये इसका नाम बिच्छू इसलिए रखा है क्योंकि पता क्या है, ये भी काटता है एक्चुअल में, क्योंकि आप देखिए रे कांटे इसके कितने खतरनाक है, मैं इसको पत्ते से उठा था जरा ना, ये चीज़ दिख रही, इतने खतरनाक कांटे इसके, ये चीज़। तो ये मतलब हमारे पहाड़ों की ना बहुत ही मतलब फेमस सब्जी होती है। पहले हम इसको उबालेंगे और उसके बाद उबाल के बाद ये बिल्कुल मतलब गल जाएगी पूरी तरह से, और गलने के बाद इसको मैं तड़का मार के एकदम मस्त बनती है खाने में एकदम, और पोषक तत्व मैं बताऊँ को इसमें आयरन की ना बहुत ज़्यादा मात्रा होती है, जैसे बॉडी में ब्लड की कमी हो तो उसको ये फुलफिल करती है।
अब ये पता नहीं कहाँ चली गई पूरे। अब कहाँ रहे, अब कहाँ खुली दो इधर आप। अच्छा लकड़ी लेके आ रही है, ये पता क्यों ला रहे हैं? क्योंकि हम शाम को अंगिट्ठी वगैरह जलाते हैं ना सर्दी के लिए, तो सूखी लकड़ी होती है ना ये, कहीं मिल जाती खेत कूद में कहीं भी आ रहे पर है ना, उसको इकट्ठा करके लेके आती है। सर्दियाँ तो हमारे एरिया में हो रही नहीं, क्योंकि पता क्या है, बहुत टाइम से ना बारिश ही नहीं हो रही यार, डेली धूप लग रही है डेली की डेली। तो अगर बारिश हो जाए तो थोड़ा ठीक हो जाएगा, हमारे यहाँ बर्फ़ भी गिरती है। अब देखो जनवरी स्टार्ट हो गया, जनवरी के आज 6 तारीख 7 तारीख हो गए और अभी तक बारिश नहीं हुई है, जबकि अब तक बर्फ़ पड़नी चाहिए। अब बता तो रहे कि भाई अगले महीने बर्फ़ पड़ेगी, ये होगा। देखो लकड़ी लाई बहुत सारी है। ये भाई हमारे कुकू की सब्जी ना, जो हम आज शाम को बनाएंगे। क्या कह रही? लेखा खोनता है लेखा। दोबारा बोल। लेखा खोनता है विपणो। अब क्या करें इसके बाद? अब क्या, ठंड लग रही कर जाएंगे। ठंड लग रही है तो 5-6 लेनी है, ले जाने पत्ते। हां चले फिर वहीं पर है, चल हैं। ये वाली जड़ निकालनी पड़ेगी। अरे रहने दे, कल ही करेंगे। कल क्या करने आप? क्या बहुत हो गया, बहुत निकाल दिया। अब कह रहे कि जड़ निकाल दे, इसी जड़ को निकालना है। चलो निकालते हैं, जरा फिर करते कोशिश निकालने। निकाल दी अब जड़, अब चले है? और तो निकालनी कोई जड़ नहीं। तेरी जड़ निकाल आज। अभी अब क्यों हो रही खड़ी? अब जो कह रही कि ठंड लग रही, चलना है। ये कुत्ते कहाँ भोंक रही है खेत में, कुत्ते नीचे कर क्या रहे नीचे कुत्ते। बैक टू बैक काम होते है भाई, एक काम ख़त्म दूसरा शुरू। अब पता है क्या करना हमने, ये पत्ते लाने अपने, जो पेड़ से पत्ते होते हैं ना झड़े हुए वो इकट्ठे करने, फिर ये जो किल्टा है ना मैंने पीट के में रखा हुआ, पीट में रखा हुआ ये लेना भर के। अभी बस यहीं से करने हमने स्टार्ट ना, इकट्ठे करने सारे पत्ते जो झड़े हुए ना ऊपर पेड़ से। पमला तो हो गई भाई स्टार्ट काम पे, हो जाता हूँ शुरू भाई अपने काम पे। कुकु खा दो अखरोट मिल गए, हमारा किल्टा हो गया फुल। ठीक है उठा दे, थैंक यू। अब चलते आगे, आगे कहाँ, अपने घर की तरफ चलना हमने। अब आगे कहीं नहीं चलना, अब आज का काम बस यही था देव। अब ये यही काम आते भाई पहाड़ों में, मतलब काम करते करते ठंड नहीं लगती है, काम भी कर रहे चल भी रहे तो ठंड लगने के सवाल ही नहीं। पत्ते उठाने के प्रोसेस में ना हमारे को दो अखरोट भी मिले, अब पता नहीं सही है कैसे लेकिन मिले ज़रूर है। चले भाई चलो जी चलते हैं। ना तेरी बैग कहाँ गई? कुकू की बैग, कुकू की बैग प्रो मिला गई। 5 बजे निकले थे हम घर से ना, और 6:45 हो रहे अभी, मतलब 1.5 घंटे के अंदर हुआ सारा का सारा काम ना, ये लकड़ी इकट्ठी करनी, सब्जी इकट्ठी की, ये पत्ते इकट्ठे किए, 1.5 घंटे के अंदर सारा काम। क्योंकि पता क्या है, गांव हमारा बहुत नज़दीक है,